मानव समाचार मानवता के हक में। 17 तारीख को मालेगांव में मनाई जाने वाली बकरीद के अनुसंगाने करी गई थी। यहाँ पे शांतता समिति के सदस्यों ने अपनी बात रखी और विभिन्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर को अपना फीडबैक यानी सुझाव पेश करें। इस सुझाव और फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए हम 17 तारीख को अपनी तैयारियों को और अच्छा करेंगे और 17 तारीख को बकरीद मनाई जाने वाली है मालेगांव में। इसके लिए मालेगांव महानगर पालिका ने जो उपाय किए हैं, जैसे कि नवीन कतलखाने बनाना, जैसे कि मालेगांव सिटी में 14 नए कतलखाने बनाए जा रहे हैं और बाकी सीसीटीवी कैमरा का नियोजन करना, पेट्रोलिंग पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से होना और ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करना, ऐसे जो भी 4-5 उपाय हमने किए हैं वो हमने लोगों के सामने रखे और उनके सुझाव को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी तैयारियों को और अच्छा करेंगे। नाकाबंदी में से कैंप हंदी में तेरी जो खुली धोती बंगला और मनमर जो खुली पे लगाई गई, वहाँ पे सारी सुविधाएं लाइक उनको टेंट होगा, टॉर्च होगा, पानी, बेल, या फिर वहाँ पे डे नाइट के लिए अमलदार अधिकारी होंगे तो वहाँ पे उनको रख दिया गया। सिटी की साइड से गो स्क्वाड बनाए गए, उनकी भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। कितने सदस्य स्क्वाड है? मालेगांव सिटी में 22 जगह पे नमाज पठन का कार्यक्रम बकरीद के दिन किया जाएगा। उसके लिए हमने प्रत्येक नमाज पठन के कार्यक्रम के बाहर नाकाबंदी और जो हमारे विभिन्न और इम्पोर्टेंट जगह है मालेगांव की, वहाँ पे नाकाबंदी की योजना करी है। गौ स्क्वाड मालेगांव सिटी पुलिस, मालेगांव सिटी सब डिविजन में बनाया गया है। उसमें 1 PSR दर्जे के अधिकारी यानी 4 पुलिस अमलदार रखे गए हैं। गौ स्क्वाड की कार्रवाई निरंतर चालू है। 17 तारीख तक जितनी कार्रवाई करी गई है उसका एक अहवाल आपको देंगे।